नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। हर बीते दिन के साथ लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों में उथल पुथल जोरों से जारी है। मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मातोश्री में औरंगाबाद जिले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया। उद्धव ठाकरे ने इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस है, MV है, लेकिन मोदी का विकल्प क्या है? तो बता दे, तानाशाही का विकल्प नहीं होता, तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखाता है, वैसे तानाशाही के इस संकट काल में आप साथ आए। वहीं ठाकरे ने आगे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार गए और कुछ और लोग जाएंगे, लेकिन ये सभी डरपोक है। महाराष्ट्र डरपोक नहीं, वीरों की भूमि है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने परिवार से मिलने के लिए महाराष्ट्र घूम रहा हूँ और निश्चित रूप से कांग्रेस और NCP एकजुट है, लेकिन मैंने कई लोगों को BJP से हमारी लड़ाई में शामिल होते देखा है। वे हकीकत से दूर मन की बात करते हैं और जन की बात नहीं समझते। समय आ गया है मिलकर काम करें और BJP के 10 साल के शासन को बेनकाब करें। महाराष्ट्र ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है और इस मुश्किल घड़ी में भी महाराष्ट्र आपके सहयोग से देश को रास्ता दिखाएगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा में BJP पर हमला किए, लेकिन उनके तेवर बदले नजर आए। उन्होंने कहा, वे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वहीं आगे कहा, PM मोदी ने ही सेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, PM महाराष्ट्र में यह देखने आते हैं कि यहाँ से क्या गुजरात लिया जा सकता है। UPA के बाद इंडिया अलायंस बना। इस इंडिया अलायंस का जो प्रमुख दल है, या फिर ये कहे इस इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ा दल है, वो कांग्रेस पार्टी का है। इसी इंडिया अलायंस के साथ शिवसेना जुड़ी हुई है, इसी के साथ नीतीश की पार्टी जुड़ी हुई थी, और कहा तो ये भी जाता था कि इस इंडिया अलायंस को बनाने वाले सूत्रधार नीतीश कुमार थे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने को अलग कर लिया और NDA के साथ चले गए और बिहार में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन से सभी राजनीतिक दल दूरियां बना रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने अपना किनारा कर लिया है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने झटका देते हुए कहा कि वो भी चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं पंजाब से भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। और सबसे जो बड़ा झटका है वो बिहार के CM नीतीश कुमार ने दिया। जी हाँ, ये वही नीतीश कुमार है जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार बताए जाते थे। नीतीश कुमार ना इसके सूत्रधार रहे, बल्कि कई मौक़ों पर आकर उन्होंने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन अंत में एक ही नतीजा आया, वो दोबारा NDA गठबंधन के साथ चले गए। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी थोड़े से दूर हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहे punjabkesari.com।